दोस्तों, जब भी आप ट्रेन से सफ़र करते हो या फिर कहीं लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हो ट्रेन के थ्रू, तो आप किसी ना किसी तरह की समस्या का सामना करते हो, चाहे वो टिकट बुकिंग की हो या फिर खाने की हो या फिर पीने की हो। तो मैं आप लोगों को भारतीय रेलवे से यात्रा करते समय कुछ स्मार्ट जो यात्रा हैक होते हैं वो बताऊँगा, जिसके थ्रू आप आसानी से अपनी यात्रा है वो पूरी कर सकते हो और किसी भी तरह की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, सामान्यतः ट्रेनों की जो टिकट बुकिंग सर्विस है वो मोस्टली 120 डेज बिफोर स्टार्ट हो जाती है। तो आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हो, जैसे दिल्ली टू बॉम्बे करते हो, तो हमेशा अपर या फिर जो साइड अपर बर्थ है वही बुक करें। इससे आपको क्या होगा कि जब भी आपका मन करेगा सोने का तब आप सो सकते हो और जब भी आपका मन करेगा बैठने का तो आप बैठ सकते हो, यानी कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जो मिडिल है या फिर जो लोअर बर्थ बुक करते हो तो दिन के समय में आपको इस तरह की समस्या हो सकती है, तो इससे बचने के लिए हमेशा साइड अपर या फिर जो अपर सीट है वही बुक करें। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को पहले टिकट बुक नहीं करते हो और जब इमरजेंसी होती है या फिर कभी जाना हो तो तत्काल टिकट बुकिंग करते हो, तो तत्काल टिकट बुक करते समय सीटें हैं वो एक दो मिनट में ही भर जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपके पास एक समाधान है, आप अपनी जो IRCTC ID है उसमें अपनी पैसेंजर डिटेल, जैसे नेम है, एज है, जो बर्थ प्रेफरेंस है, जो भी जानकारी आप लोगों को फिल करनी है वो पहले से ही सेव कर दीजिए। अब टिकट बुक करते समय आप लोगों क्या होगा, जो पैसेंजर डिटेल होगी वो पहले से ही उसमें सेव हो जाएगी, यानी कि जब भी आप पैसेंजर डिटेल्स को ऐड करेंगे उस वक्त ऐड एग्जिस्टिंग का ऑप्शन दिखाई देगा और उस पर क्लिक करने से आपका काफी टाइम है बच जाएगा। तीसरी चीज ये है कि ट्रेन में सामान चोरी होने का जो डर है वो बना रहता है, तो सामान को सुरक्षित रखने के लिए जब आप सो रहे हो तो जिस बेडशीट पर आप सो रहे हो तो उसके एक हल्के से कोने से थोड़ा सा उसको जो है बैग होता है आपका उसको बांध के रखिए, अगर सिंगल बैग आपके पास है, और बाकी आपके पास ज्यादा सामान तो सीट के नीचे अच्छे से एडजस्ट करके रखिए, ताकि जब भी आप कोई किसी तरह की हलचल करते हो तो आप लोगों को पता लग जाए। हमेशा रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन के अंदर जो पेंट्री बॉय होते हैं या जो कैंटीन वाले होते हैं वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, तो जब भी आपको पानी की जरूरत हो तो दो बोतल पानी खरीदे और 30 रुपये उसे सौंप दे, वो मान जाएगा। अगर आप उससे एक बोतल खरीदेंगे तो वो 20 रुपये ही मांगेगी। नेक्स्ट ट्रेवल है कि वो टिकट बुकिंग से संबंधित है। एक ऑप्शन होता है करंट अवेलेबल ऑप्शन, यहाँ पर फाइनल रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी कुछ सीटें हैं वो खाली प्रदर्शित होती है, यानी खाली शो होती है, तो हर ट्रेन में करंट अवेलेबल में कुछ सीट जरूर होती है। अगर आप स्टेशन पर पहुंचे ही है और आपने अभी तक रिजर्वेशन नहीं कराया हुआ है और आपकी जो ट्रेन है वो कुछ देर में आने वाली है, तो अगर सीट्स अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू है अपनी सीट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेवल है कि अगर आपको ट्रेन की लाइव लोकेशन पता करनी है तो एक ऐप होती है, वेयर इज माई ट्रेन ऐप है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो और आसानी से आप लोगों को जो लोकेशन है यानी कितने स्टेशन के बाद अपना स्टेशन आने वाला है या फिर कितने टाइम पर अपन पहुंचने वाले हैं सारी की सारी डिटेल इस ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट ट्रेवल है कि जब भी आप ट्रेन में सफर करते हो अगर ट्रेन कहीं रुकी हुई है तब उस दरमियान आप लोगों को वॉशरूम का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जब ट्रेन चल रही है और अगला स्टेशन आने में कुछ समय उसी दरमियान आप वॉशरूम का प्रयोग करें, इससे आपका जो सामान है वो चोरी होने से बचा जा सकता है, नहीं तो आप तो वॉशरूम में चले जाओगे और पीछे से आपका कोई सामान है वो उड़ा ले जाएगा। नेक्स्ट ट्रेवल हैकिंग है और सबसे जरूरी भी है, जब भी आप ट्रेन में सफर करते हो तो अपने सामान जो भी अपना जरूरत का सामान है छोटा मोटा उसको साथ में रखिए, जैसे हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है, ईयरफोन है, चार्जर, अगर आप लॉन्ग ट्रेवलिंग कर रहे हो तो पावर बैंक भी आप लोगों को साथ में रखना चाहिए, टूथब्रश वगैरह है, टूथपेस्ट है, जो भी आपका जरूरी सामान है आपको जरूरत पड़ती है मोस्टली तो उसको आप हमेशा अपने बैग के अंदर रखें। नेक्स्ट ट्रेवल हैकिंग है कि जब भी आप टिकट बुक कराते हो और अगर आपको टिकट मिलने की संभावना यानी कंफर्म टिकट मिलने की संभावना थोड़ी कम लग रही है तो आप लोग एक स्मार्ट बुकिंग है वो भी कर सकते हो। जैसे किसी भी ट्रेन में हर स्टेशन के लिए सीट कोटा है वो फिक्स होता है, यानी कि किसी भी स्टेशन की सीट है वो फिक्स होती है। अगर आपके अपना जो डेस्टिनेशन है उससे स्टेशन तक कन्फर्म सीट नहीं मिल रही है और वेटिंग आ रही है तो आप लोगों जो डेस्टिनेशन है उससे अगला स्टेशन से बुक कर सकते हो, तो बोर्डिंग स्टेशन आपको जो भी डालना वो डाल सकते हो, लेकिन आप टिकट है कहीं से बुक कर रहे हो। जैसे आप कोई भी ट्रेन है जयपुर से मुंबई के लिए बन रही है तो आप लोग को अगर अजमेर से बैठना है तो आप लोग जयपुर से टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन अपना जो बोर्डिंग पॉइंट है वो अजमेर डाल सकते हो। तो इस दरमियान क्या होता है कि आप लोगों को एक कन्फर्म सीट मिल सकती है, क्योंकि जहाँ जो स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक कुछ ज़्यादा सीट्स होती है तो उसके थ्रू आप लोगों को अपनी सीट है वो मिल सकती है। नेक्स्ट ट्रेवल हैकिंग है प्रीमियम तत्काल। अगर आप लोगों ने तत्काल में टिकट नहीं मिला है और आप लोगों ने जनरली जो टिकट बुक कराया उससे भी टिकट नहीं मिला तो आप एक प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन आता है उससे टिकट बुक कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत पैसा वो ज़्यादा देना होगा, लेकिन अगर आपका पहुँचना जरूरी है तो आप लोग प्रीमियम तत्काल ऑप्शन से आपके लिए है टिकट है वो मिल सकता है। अगर सीट्स अवेलेबल है तभी आप लोगों को मिलेगा, अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी और इन जो टिप्स हैं इनका यूज करके आप लोग अपना जो सफर है वो आसान बना सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।